हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है मेरा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नॉन मेटैलिक करेक्टर के साथ डिस्क्राइब करूंगी और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेटैलिक करेक्टर के साथ डिस्क्राइब करूंगी। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक करेक्टर। सो सबसे पहले हमें बात करनी है नॉन मेटेलिक करेक्टर की। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ ही नहीं रहे, तो सबसे पहले सुनिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बुक्स में डेफिनेशन है वो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो बुक की लैंग्वेज है, चलिए छोड़िए। अब मैं बताती हूँ क्या है। किसी भी एलिमेंट और या फिर कहते हैं एटम में अगर टेंडेंसी है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजिली अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसकी अट्रैक्ट करने की ये टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ा था, उसमें भी वही बात है। नहीं, ये दोनों ही अलग चीजें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी की बात की गई है जब इलेक्ट्रॉन एडअप हुआ है तब। यहाँ केवल टेंडेंसी की बात की गई है कि किसके पास ज्यादा टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की। यहाँ पर एडिशन नहीं हो रहा है, बस केवल टेंडेंसी की बात की गई है। सो अब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जबकि कोई एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो उस बिहेवियर को, उस टेंडेंसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक का क्या रिलेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंज द गिवन एलिमेंट्स इन देयर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो मैं सीधे सीधे बता दूं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वही तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो हम कह सकते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी को कहते हैं नॉन मेटैलिक। सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उतना ही ज्यादा नॉन मेटैलिक है। सो एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं यहां से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटैलिक करेक्टर। ठीक है, सो अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक और बात फंस गई यहाँ पर, हमें नहीं पता कि ट्रेंड क्या है। सो सबसे पहले जान लें कि जनरल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या है। अब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हर बार बढ़ता जाता है हर स्टेप पे, जिससे कि न्यूक्लियस के पास पावर बढ़ती जा रही है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी पावर बढ़ रही है। इसलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ती जा रही है, इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप, फ्रॉम अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज
क्यों? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, क्या होता है, हमारे एटम का साइज बढ़ता जाता है। अब साइज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल से बहुत दूर हो गया, तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो आउटरमोस्ट शेल पर या अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम फील हो रही है, जिसके कारण वो उसकी टेंडेंसी कम हो गई है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। और जब टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गई है, इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। नाउ ये आपको जनरल ट्रेंड समझ में आ गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेश पेज ले लेती हूँ। कंसिडरिंग द एलिमेंट, तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड सिलिकॉन। अब हमें पता है कि बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, इसके पास 6, इसके पास 7 और इसके पास 9, तो उनके पास 9। अब एक आया है सिलिकॉन। सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में कहाँ बैठता है, हमें पता है कहाँ बैठता है, कार्बन के नीचे, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, ये है पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से हमें पीरियोडिक टेबल में अगर पोजीशन पता है एलिमेंट्स की और जनरल ट्रेंड पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या नॉन मेटालिक करेक्टर का, तो हम इजीली गेस कर सकते हैं क्या हमारा ऑर्डर होगा। नॉन मेटालिक करेक्टर हमने कहा कि इस ओर इंक्रीज है और इस ओर डिक्रीज होगा, करेक्ट? तो हम कह सकते हैं हाईली नॉन मेटेलिक कौन सा है, सिर्फ पोजीशन देख के बता देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। हाईली नॉन मेटेलिक ये होगा यहाँ पर फ्लोरीन, सो फ्लोरीन विल बी हाईली नॉन मेटेलिक। उसके पीछे कौन आ रहा है, नाइट्रोजन। उसके पीछे कौन आएगा, कार्बन, उससे कम नॉन मेटेलिक है, और उससे भी कम नॉन मेटेलिक है बोरॉन। अब सिलिकॉन को कहाँ रखूं, कार्बन और बोरॉन के बीच में या बोरॉन के पीछे? हमने कहा कि हमें नॉन मेटेलिक करेक्टर देखना है। नॉन मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे कम हो जाएगा, तो कार्बन से कम है, क्योंकि ये भी कह सकते हैं ये फर्स्ट एक ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में है, ये दूसरे फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड पीरियड में, और नीचे आएंगे तो थर्ड पीरियड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नीचे के ग्रुप में है उसकी नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगी, तो बोरॉन की नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगी कंपैरेटिवली सिलिकॉन के। सो ये हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड है। और यहाँ पर हम कहेंगे फ्लोरीन इज हाईली नॉन मेटैलिक, हाईली नॉन मेटेलिक। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस पता करनी है। जब हमें पोजीशंस एक्यूरेट पता होंगी तो हम उनको सही से एडजस्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कंसीडर द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। अब बात आ गई मेटालिक करेक्टर की। तो हमने कहा क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को नॉन मेटालिक करेक्टर कहा गया और उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा गया। अब नॉन मेटालिक का अपोजिट क्या होगा, मेटालिक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, मेटालिक करेक्टर। तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा। सो वी कैन मेक अ फॉर्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी उतना ही मेटालिक करेक्टर घटता जाएगा। सेम ट्रेंड चलेगा मेटालिक करेक्टर के लिए, क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर घटता जाएगा। इट मीन्स हाईली मैग्नेटिक, सॉरी हाईली मेटालिक करेक्टर कहाँ मिलेगा,
सबसे लेफ्ट में, और ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इट मींस मेटालिक करेक्टर उल्टा चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है यानी कि मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरल ट्रेंड हो गया। मैं यहाँ इसको लिख भी देती हूँ कॉर्नर में, कैसे कि इस साइड मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा और इस साइड भी मेटालिक करेक्टर हम कह सकते हैं इंक्रीज। ओके, अपोजिट जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इधर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डिक्रीज होगी तो इधर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं बोरॉन, इसके पास है कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरा है एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स और पोटेशियम के पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब हमें इन्हें अरेंज करना है। मैंने इसके पहले भी बताया नॉन मेटेलिक में कि हमें क्या करना है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन जाननी है। उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो बोरॉन का कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 और पोटेशियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s आई थिंक 6 10 16 17 एंड 1। ओके, सो दिस इज अ कॉन्फिगरेशन। नाउ अब इस कॉन्फिगरेशन से हम लोग कैसे पोजीशन निकालेंगे ये मैं बता दूं आपको। हम इसका ये पोर्शन चेक करेंगे, सी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी कैसे पोजीशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको जल्दी में बता रही हूँ। सो बोरॉन को हम कहेंगे इसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, सेकेंड लेवल में आया है, और क्योंकि पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में है तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, सो बोरॉन सेकेंड पीरियड एंड पी ब्लॉक। इसी तरह हम कहेंगे एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, थर्ड लेवल पे, तो थर्ड लेवल मींस हम कहेंगे थर्ड पीरियड एंड देखिए अगेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी ऑर्बिटल में, तो हम कहेंगे पी ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम के केस में 3s2, 3 थर्ड लेवल यानी कि थर्ड पीरियड और s ब्लॉक, पोटेशियम में 4 पीरियड एंड s ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। सो बोरॉन का मैंने कहा ये सॉरी बोरॉन कहाँ पर आया था हमारा, सेकेंड पीरियड और पी ब्लॉक, इसका सेकेंड पीरियड एंड पी ब्लॉक, एल्यूमिनियम आया था थर्ड पीरियड एंड पी ब्लॉक, फिर मैग्नीशियम हमारा कौन सी जगह पर आया था, चलिए देखते हैं पीछे फिर से, मैग्नीशियम आया था 3 थर्ड में और एस ब्लॉक में, मैग्नीशियम आया हमारा थर्ड पीरियड में और एस ब्लॉक, और पोटेशियम आया है
फोर्थ पीरियड में और एस ब्लॉक में। चलिए अब इस पूरी कंडीशन को हम पीरियडिक टेबल में अरेंज करते हैं। तो अगर हमारे पास सेकेंड पीरियड सबसे पहले आएगा, सेकेंड पीरियड में आएंगे और ये है थर्ड पीरियड और ये तीन पीरियड लेने हैं हमको और हमें लेना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के थर्ड पीरियड में कौन सा है? मैग्नीशियम, तो हम यहाँ लिखते हैं मैग्नीशियम। फिर एस ब्लॉक के फोर्थ में है पोटेशियम। अब देखिए पी ब्लॉक के सेकेंड में है बोरॉन, तो हम यहाँ पर बोरॉन को इस जगह लिखें सेकेंड में, सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक। एल्यूमिनियम कहाँ है? थर्ड पीरियड पी ब्लॉक, तो थर्ड पीरियड तो एल्यूमिनियम यहाँ लिखते हैं। अब ये हमारी हो गई पीरियोडिक टेबल में इनकी एलिमेंट्स की पोजीशन। अब हमें पता है मेटालिक करेक्टर किधर बढ़ेगा, इधर से इधर बढ़ेगा, मेटालिक करेक्टर इधर बढ़ेगा और किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। ठीक है, आई एन सी। ठीक, तो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा हुआ? इधर भी बढ़ रहा है और इसमें इधर भी बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मेटालिक हुआ हमारा पोटेशियम। उसके पीछे कौन आया? हमारा मैग्नीशियम, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पी ब्लॉक के कंपैरिजन में ज्यादा मेटालिक है। तो पहले हम एस ब्लॉक लिखेंगे और एस ब्लॉक में भी जो नीचे है ग्रुप में वो सबसे हाईली मेटालिक होगा। अब आते हैं पी ब्लॉक पे। अब पी ब्लॉक पे बचे हैं हमारे पास दो, तो कौन सा ज्यादा मेटालिक होगा? जो नीचे की तरफ है वो ज्यादा मेटालिक होगा, मतलब कि एल्यूमिनियम ज्यादा मेटालिक होगा बिहेवियर में इन कंपैरिजन टू बोरॉन। तो ये है हमारा ऑर्डर नॉन मेटालिक मेटालिक करेक्टर का। तो ये हो जाएगा हाईली मेटालिक, कौन? पोटेशियम। सो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में। होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो मैं हूँ ना, कमेंट कीजिए मुझको। थैंक यू।